हमारे लिए आज की तलावत पलूस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम पांचवां बाब पहली से आठवीं आयत तक। अक्सर से सुनते हैं कि तुम्हारे दरमियान हरामकारी होती है और ऐसी हरामकारी जैसे गैर कौमों में भी नहीं होती, यानी कि एक आदमी अपने बाप की बीवी को रखता है और तुम फूलते हो और ज़्यादातर गम नहीं करते, ताकि जिसने ये काम किया वो तुम में से निकाला जाए। लेकिन मैं बदन की निस्बत गैर हाजिर मगर रूह की निस्बत हाजिर होकर उसी तरह के गोया हाजिर हूँ उस पर जिसने ऐसा किया ये फतवा दे चुका हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु के नाम से तुम और मेरी रूह इकट्ठी होकर हमारे खुदावंद यीशु की कुदरत के साथ हम ऐसे शख्स को जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले करते हैं, ताकि रूह खुदावंद के दिन में निजात पाए। हमारा फ़ख्र करना खूब नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे कुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराने खमीर को निकाल फेंको ताकि तुम ताज़ा गुंदा हुआ आटा बनो। चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें पुराने खमीर से नहीं और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो और खुदा का शुक्र।